नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है प्रवासी मजदूर। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हो और किसी अदर डिस्ट्रिक्ट या फिर महानगर या फिर किसी अदर स्टेट में फंसे हुए हो, तो आप अपने घर पर यानी मध्य प्रदेश में किसी भी गाँव में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वापस आना चाहते हो, अगर आप प्रवासी नागरिक हो। प्रवासी, देखिए प्रवासी नागरिक कौन कहलाते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। प्रवासी नागरिक, मान लीजिए आप छात्र हो, आप एक स्टूडेंट हो, किसी और शहर में पढ़ते हो जो कि आपके मध्य प्रदेश के बाहर पड़ता है, या फिर आप किसी मध्य प्रदेश के ही दूसरे शहर में पढ़ रहे हो अभी, ठीक है ना, अपनी स्टडी कर रहे हो, या फिर आप किसी जगह पर पर्यटक के तौर पर गए थे घूमने और अपने घर पर वापस आना चाहते हो, तो आप प्रवासी नागरिक कहलाओगे। तो यहाँ पर अगर आप अपने घर वापसी आना चाहते हो या फिर आपका कोई रिश्तेदार वापस आना चाहता है, तो यहाँ पर मैप आईटी के थ्रू एक रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है जिसके माध्यम से आप आ सकते हो। किसी भी माध्यम से ई पास की तरह ही आपका प्रवासी नागरिक का रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि आप जब करवा लोगे तो आप आसानी से आ सकोगे। प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की आपको रोक टोक नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस तरीके से आपको प्रवासी नागरिक का रजिस्ट्रेशन करना है वो बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह से बार भी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से संबंधित वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना ब्राउजर ओपन कर लिया है, ब्राउजर पर सिंपली मैं गूगल ओपन किए लेता हूँ। गूगल पर आपको सिंपली टाइप कर देना है मैप आईटी, ठीक है ना। मैप आईटी लिखकर जैसे ही आप गूगल पर सर्च करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट लिंक आ जाएगी, कोविड 19 मैप आईटी, ठीक है ना। यहाँ पर फर्स्ट लिंक दिख रही होगी, मैं यहाँ पर क्लिक किए देता हूँ। दोस्तों इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जंप कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आओगे तो देखिए आपको प्रवासी नागरिक पंजीयन लिखा दिखेगा, एक बड़ा सा एक बटन दिखेगा रेड कलर का, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्रोसेस सेम टू सेम आपका वही रहेगा, यहाँ पर जिस तरीके से आप पहले ई पास बनाते थे मध्य प्रदेश का, उसी तरीके से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है प्रवासी नागरिक का। तो यहाँ पर सिंपली आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, जो भी आप मोबाइल नंबर डालोगे उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर मैंने ओटीपी डाल दिया, इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके की डिटेल्स आपको भरनी होगी। पहला कॉलम रहेगा आपका यात्रा का विवरण। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, अगर आप किसी अदर स्टेट यानी कि मध्य प्रदेश को छोड़कर किसी अदर स्टेट, पूरे इंडिया के किसी भी अदर स्टेट में फंसे हुए हो, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करें, और अगर मध्य प्रदेश से बाहर जाना चाहते हो तो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करें, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों आपको सुविधा मिल जाती है, जैसे कि मध्य प्रदेश से बाहर जाना है और मध्य प्रदेश के अंदर आना है, तब भी आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इस ऑप्शन के बाद आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर स्रोत का जिला, आप किस जिले में वापसी आना चाहते हो। देखिए मैंने यहाँ पर मान लीजिए आप मध्य प्रदेश के बाहर हो और मध्य प्रदेश में आना चाहते हो, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं एमपी के किसी एक डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किए लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर थोड़ी बफरिंग चलेगी और दोबारा से रिफ्रेश होगा, पेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप किस राज्य से वापस आ रहे हो ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आप दिल्ली से वापस आना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पर दिल्ली सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर दिल्ली के अंदर कोई गाँव वगैरह डिस्ट्रिक्ट वगैरह पड़ता है तो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, और यहाँ पर आप बीस्ट विलेज यानी विलेज एरिया जो भी आपका पड़ता है उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस ऑप्शन की वजह से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा है ये ऑप्शंस, जिस वजह से आपके पेंडिंग में जा रहे हैं फॉर्म, आपका ई पास पेंडिंग में जा रहा है और आप अप्लाई नहीं कर पा रहे किसी चीज के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि देखिए अपलोड अगर आप फोटो करना चाहते तो यहाँ से सिलेक्ट करें, ठीक है ना। अपलोड फोटो के लिए यहाँ से सिलेक्ट करें, और यहाँ पर आपको एक देखिए यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक अपलोड का ब्लैक कलर का बटन दिख रहा हो, इससे सिलेक्ट करने के बाद ही आपकी फोटो अपलोड होगी, ठीक है ना। ऐसे सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन एक और दिया गया है, यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ सिलेक्ट करना है कुछ भी, जैसे कि यहाँ पर जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ सिलेक्ट करोगे उसी के सामने यहाँ पर आपको अपलोड करना है। सिलेक्ट यहाँ पर चॉइस फाइल का एक बटन दिया गया है, यहाँ से सिलेक्ट करना है, और अपलोड यहाँ पर ब्लैक कलर का बटन दिया गया है,
यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है ना। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद छोड़ मत देना है, अपलोड भी करना है। इसके बाद यात्रियों की श्रेणी सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर छात्र हैं, तीर्थ यात्री हैं, मजदूर हैं, पर्यटक हैं, परिवार के किसी अन्य सदस्य को घर वापसी बुलाना चाहते हैं। तो इसके बाद ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको अपने परिवार की डिटेल्स दे देनी है। जितने भी लोग आना चाहते हैं यहाँ पर ऐड कर सकते हो आप लोगों को। अगर एक ही लोग आना चाहते हो तो यहाँ पर शुरुआती डिटेल्स फिलअप करनी होगी, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर राइट बॉक्स पर टिक करें, सबमिट बटन पर क्लिक करें, तो जो आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसे संभाल कर रखें। संभाल कर रखने के बाद यहाँ से उसी तरीके से आप ई पास को डाउनलोड कर सकते हो, जिस तरीके से आप अपना लोकल ई पास को डाउनलोड करते हैं। देखिए यहाँ से आप अपने सामान्य ई पास को डाउनलोड कर सकोगे। प्रवासी नागरिक के रजिस्ट्रेशन को आप यहीं से डाउनलोड कर सकोगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है ना डाउनलोड ई पास, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकोगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। और एक प्रवासी नागरिक को किस तरीके से घर वापसी बुलाना है या फिर घर वापसी पहुँचाना है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर फिर भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आ रही है कोई चीज, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।